नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। यूसीसी का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ पसमांदा समाज ने मोर्चा खोल दिया है। पसमांदा समाज ने मौलाओं और उलेमाओं की संपत्ति की जांच की मांग की है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद इस संगठन के लोगों ने पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना पर एक विशेष राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि मुस्लिम बोर्ड गुरुओं ने कभी भी पसमांदा समाज की चिंता नहीं की है। देश में मुसलमानों की 85% आबादी पसमांदा लोगों की और कुछ उलेमा यूसीसी के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में ये फैसला हुआ है कि आंदोलन कर ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1.5 साल से संघर्ष जारी है। युद्ध खत्म करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच अब अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत या कोई देश यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत और अस्थायी शांति प्राप्त करने के लिए मदद कर सकता है तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है। बताते चले कि कोर्ट अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर अगले सोमवार यानी 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्टे नहीं लगाया, सिर्फ नोटिस जारी किया है। भारत की सैन्य ताकत पूरे दुनिया भर में 4th नंबर पर है। दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने 2023 की रैंकिंग जारी की है। इसमें वर्तमान में मौजूद मारक क्षमता को मापने वाले 60 कारकों के आधार पर 145 देशों की रेटिंग की गई है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद रूस 2रे नंबर पर बना हुआ है, 3रे नंबर पर चीन है और वही 4थे नंबर पर भारत का स्थान है। भारत लगातार 4थे स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन भी कर दिया है। यह सब कुछ महिला पहलवानों की FIR दर्ज होने के बाद हुआ। इन्हीं महिला पहलवानों ने फरवरी महीने में निगरानी समिति के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। देश से दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा की टाटा ग्रुप जल्दी ही कंपनी मोबाइल फोन बनाने के काम में एंट्री करने वाली है। टाटा ग्रुप जल्दी आईफोन बनाने का काम शुरू कर सकती है। कंपनी की एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प से बात चल रही है। जल्दी दोनों के बीच डील हो सकती है। अगर डील फाइनल होती है तो टाटा ग्रुप आईफोन बनाने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी। GST काउंसिल की मंगलवार को बैठक हुई। GST काउंसिल के इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स, इनपुट टैक्स, क्रेडिट क्लेम करने के नियम सख्त करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें सस्ती करने, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डिटोक्सी मैप पर टैक्स छूट पर भी फैसला होने की उम्मीद है। देश में इस समय सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही चर्चा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने UCC पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि UCC में सभी धर्मों और जातियों के लिए समान कानून और अधिकार होने चाहिए, ना ही कोई छूट होनी चाहिए, फिर वह हिंदू, सिख, ईसाई, दलित या कोई भी हो, नहीं तो लगेगा कि इसे खास समुदाय और मुसलमान एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान अधिकार और कानून है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेखर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा भारत आए हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को विविधता में एकता के लिए भारत की प्रशंसा की है। इस्सा ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को अपनी राष्ट्रीयता और संविधान पर गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुनवाई टाल दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुना। वैश्विक निवेश मैनेजमेंट फर्म इन्वेस्को की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21,000 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले 57 केंद्रीय बैंक और 85 के सरकारी संपत्ति कोष के एक सर्वे में सबसे अधिक आकर्षक उभरते बाजार के रूप में चीन के बजाय भारत को चुना गया है। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगस्त में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए बताया है कि 2 अगस्त से इस मामले पर सुनवाई शुरू करेंगे। CJI चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को 25 जुलाई तक तमाम मुद्दों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा गया था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने सवाल उठाए। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहला सत्र
विपक्ष के हंगामे के कारण शुरू होते ही स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे दूसरी पाली शुरू हुई, लेकिन मात्र 10 मिनट में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस बीच बगैर चर्चा के विधेयक पास हो गया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन में ऐलान किया कि सदस्य मोबाइल का उपयोग नहीं करे, इससे कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर दूसरे दिन का सत्र मात्र 17 मिनट तक ही चला। हंगामे के बीच पहली पाली में सदन के एक सदस्य द्वारा कुर्सी भी उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया है। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यालय को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की बात कही है। अदालत ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर कार्यकाल में विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश लाकर ऐसा करना वैध नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की अगली बैठक आगामी 17 जुलाई और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बुलाई है और इसके लिए उन्होंने शीर्ष नेताओं को आमंत्रण भी भेजा है। कांग्रेस प्रमुख ने अपने पत्र में सभी शीर्ष नेताओं को 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बुलाई गई विपक्ष की बैठक में उनकी भागीदारी याद दिलाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आधुनिक भारत की इमारत समान अधिकारों, समान अवसरों और समान जिम्मेदारियों के सिद्धांतों पर बनी और भारत में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्रों की जननी और विविधता की भूमि है। भारत संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का मिश्रण है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक, जाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्थान प्रदान करने के सफलतापूर्वक कामयाब रहा है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अमेरिका समेत कई देशों की तुलना में अल्पसंख्यक भारत में अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के खून में है। बता दें कि यह बातें तब सामने आई जब वेंकैया नायडू वाशिंगटन में नेशनल काउंसिल ऑफ एशियन इंडियन एसोसिएशन की तरफ से आयोजित भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले यहां की बड़े डिफेंस नेवी समूह ने ऐलान किया है कि वो भारत के P-75 प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाएगा। फ्रेंच डिफेंस नेवी समूह ने बताया कि वो P-75 इंडिया प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। इस 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई 5 अंतर्राष्ट्रीय समूहों में से एक ये भी है। समूह ने कहा है कि वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शर्तें पूरी नहीं कर सकता और इसलिए वो इस परियोजना में शामिल नहीं होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद पहली बार शरद पवार और अजीत पवार पुणे में कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा करेंगे। लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के अनुसार पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में शरद पवार और अजीत पवार भी शामिल होंगे। माउंट एवरेस्ट को लेकर करीब 3 साल पहले चीन ने दावा किया कि इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है जितनी बताई जाती है। चीन के मुताबिक इसकी ऊंचाई कम है। हालांकि चीन के इस दावे से माउंट एवरेस्ट के दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के रुतबे का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब कुछ शोधकर्ताओं के नए दावे में से ये सवाल उठने लगा है कि क्या माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं रह गया है। दरअसल साइंस फोक्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं रह गया है। दिल्ली में पिछले 3 दिन हुई भारी बारिश के दौरान कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। इसी वजह से कई जगह सड़क धंस गई। दिल्ली में शेरशाह रोड के समीप मंगलवार को सुबह सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे इंडिया गेट सी हेक्सागन पर यातायात बाधित हो गया। यातायात पुलिस ने ये जानकारी दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में सेबी की जांच का स्टेटस भी पूछा, जिस पर सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जांच उचित गति से चल रही है और सेबी के पास 14 अगस्त तक का समय है। गौरतलब है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर 10 जुलाई को जवाब दाखिल कर दिया है। इस पर सीजेआई ने कहा है कि कोर्ट ने फिलहाल सेबी का शपथ पत्र नहीं देखा है और उसके लिए वक्त चाहिए। सो बेंच किसी अन्य तारीख पर मामले की सुनवाई करेगी। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश के कारण पैदा हुए बाढ़ के हालात से निपटने, नुकसान का जायजा लेने और लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से बातचीत की है। रविवार को अवकाश होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय को वॉर रूम में तब्दील कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NDRF से 120 मिनट तक अपडेट लिया। कई बार ऐसा अवसर भी आया जब उन्होंने 15 मिनट के अंतराल पर बाढ़ के हालात का जायजा लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता ने याचिका में पीड़ित पक्षों को हर्जाना मुहैया कराने, उजड़ गए गांवों को पुनर्स्थापित करने के जो सुझाव दिए हैं उन पर राज्य सरकार गौर करे। याचिकाकर्ता की ओर से भविष्य में और हमले की आशंका जताई गई। ऐसे में केंद्रीय व राज्य सुरक्षा बल द्वारा समुचित सुरक्षा गांवों को मुहैया कराया जाए। अदालत सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे मुद्दे पर भी गौर नहीं करती। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार समुचित व्यवस्था करे। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक चल रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बैठक के दौरान दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी और निर्मला सीतारमण के बीच बहस हुई है। सीतारमण की पंजाब के वित्त मंत्री के साथ भी बहस हुई है। जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने को लेकर बहस हुई। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम इतनी बारिश बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को नसीहत दी है। उपराज्यपाल का कहना है कि जल भराव हर साल की परंपरा बन गई। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें पहले से सूचित नहीं करती और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस यात्रा पर जा रहे। इस बार वह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर एलिसी पैलेस में आयोजित होने वाले बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इस साल होने वाले बैस्टिल डे परेड प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा का प्रतीक भी होगा। 107 वर्षों में पहली दफा इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी बैस्टिल डे परेड के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी जवानों के साथ मार्च करेंगी। यह ऐतिहासिक अवसर सैन्य इतिहास में भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रदर्शित वीरता और बहादुरी को स्वीकार करने का एक क्षण होगा। सितंबर 2022 में भारत सरकार ने वेदांता और ताइवान के दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के बीच गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने को लेकर हुए समझौते को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया था। जब गुजरात सरकार के साथ प्लांट बनाने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहा था, तब वहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। लेकिन एक साल से भी कम समय में दोनों कंपनियों के बीच हुआ $19.5 अरब का यह समझौता टूट गया है। ताइवान स्थित फॉक्सकॉन ने सोमवार को घोषणा की कि वो भारत की वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के समझौते से बाहर हो गया है। इस समझौते के टूटने के बाद भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के प्रयासों के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुतों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, नुनू गोलू कुमार, नौसाद अंसारी, मोहम्मद नौसाद आलम, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, अमन कुमार, बाबूलाल मरांडिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बारिश के मौसम में मच्छरों और कीड़े मकोड़ों की संख्या अधिक हो जाती है जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं, तो इससे बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।